रोहित शर्मा ये नो बॉल था बोल रहे क्या? कौन सा था? अच्छा दिख रहा है क्या? साइज देखिए दोस्तों, ठंड का मौसम शुरू हुआ है और ठीक है आप लोग थोड़ा पीछे हो जाना उस तरफ आ जाना। एक बेहतरीन रसल वाइपर यहाँ दिख रहा है। भैया इसको होल्ड करिएगा बस, नहीं मारोगे ना? हाँ इसको ऐसा पकड़ लो, ले जाएंगे। नहीं मारने ही तो आप काम वो तो आप भी कर सकते हो। नहीं मारेंगे तो आप नहीं चेक कर। वही तो बोल रहा हूँ, मारना होता तो आप फोन पे बोल देते, मार दो आप। हम लोग क्यों उतना दूर से पेट्रोल लगा के आएंगे? मेरा स्टिक ये आवाज इसी की है, खतरे की घंटी। अरे मतलब सीजन का शुरुआत देख रहे हो? सुन ना दीपक, फोटो ले लेते हैं। फोटो ले लो, मैं ये बेड को हटाता हूँ। ठीक है ठीक आवाज इसी की है, खतरे की घंटी। अरे मैं गैस में कुछ चढ़ाई बोलता तो जाके देखा। मेरा स्टिक कहाँ है? देखो ये वाला तो नहीं है। चलो वो कहीं बस 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 खाना पक गया। फोन करो ना, फोन करो डायरेक्ट उठा करो, यहाँ से लो, यहाँ से लो। हाँ काटते हैं ना आप? अभी सवाल जवाब मत करो दीदी, पकड़ने के बाद सब बताएंगे। चलो ये आप लोग ठीक कर रहे ना। तो दोस्तों ये है वो मॉन्स्टर। वैसे ये संबोधन इसके लिए सही नहीं है, लेकिन इसका साइज काफ़ी शानदार है और सीज़न की शुरुआत अगर इस साइज़ के रसल वाइपर से हो तो ये चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि जनरली इतने बड़े साइज़ के वाइपर्स इंसानी बसाहट के आसपास नहीं दिखते हैं, और अगर ये दिख रहे हैं तो ये सीधा सीधा संकेत है कि इनके रिहायशी इलाके, इनके से मेरा मतलब स्नेक्स से है, इनके रिहायशी इलाके जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो चलिए डब्बे को पहले लूजन अप करते हैं, लिड्स को हटाया जाए और उसके बाद तुरंत ही स्टिक की सहायता से ही हम करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच लिए हुए है और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो हम किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेंगे। बस एक ऊपर से ये जो शॉट है ये आप देख पा रहे होंगे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका साइज़ कितना शानदार है। वैसे रेस्क्यू के वीडियो में आपने देखा ही होगा, और घर वाले जो थे इसे अजगर समझ रहे थे। एक बात अच्छी रही कि अजगर समझने के बाद भी उन्होंने इसे छेड़ा नहीं, और हमने उन्हें समझाइश दी कि कोई भी सांप निकले आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि छेड़छाड़ करने पर ही जो घटनाएँ हैं वो सामने आती हैं स्नेक बाइट की। और रूरल इलाकों में कई बार ऐसा होता है कि गलत पहचान के कारण झाड़ फूंक वाले के पास चले जाते हैं और ढूंढिया वगैरह या चिकट कील बैग का जहर उतारने का दावा करने वाले, जहर से आप ये समझ लीजिए अंडर ब्रैकेट ही है वो जहर, और
ऐसे जीवों का जहर उतारते हैं जिनमें वाकई में कोई वास्तव में कोई जहर नहीं होता। उसके बाद जब रसेल वाइपर की बाइट के केसेस जाते हैं तो मरीज की मौत होना निश्चित हो जाता है और काफ़ी लेट होने पर ही अस्पताल उन्हें ले जाया जाता है और ज़्यादातर केसेस में ब्लीड टू डेथ होता है, पेशेंट जो है काफ़ी बुरी मौत मारा जाता है। तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब धीरे से दीपक जी इस डब्बे को टिल्ट करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सुरक्षित दूरी इससे बनाकर रखें और डब्बे के टिल्ट होते ही डब्बा बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है लाइट के कारण और इस वक्त पूरे जोशो खरोश में है ये वाइपर और धीरे धीरे अपने इलाके की टोह लेता हुआ ये आगे बढ़ेगा, नाराज़गी ज़ाहिर करता हुआ। और इसकी ये नाराज़गी हमारे लिए सतर्कता का एक सूचक है जहाँ पे हमें ये निश्चित तौर पर मालूम होना चाहिए कि इसकी रेंज से हमें दूर रहना है। भले क्लियर शॉट मिले ना मिले लेकिन रेंज से दूर रहना आवश्यक है। तो हम थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव करेंगे ताकि हमें इसे जहाँ भेजना है उस तरफ ही जाए। बहरहाल हमारे जाने के बाद ये कहाँ जाएगा ये तो इसके ऊपर ही है। लेकिन आप साइज़ देखें दोस्तों, गज़ब का ये साइज़ है, बहुत ही बड़ा और काफ़ी खूबसूरत ये रसेल वाइपर जंगल की ओट में चला गया। और वीडियो में अब कुछ दिखेगा नहीं इसलिए हम भी अब चलते हैं। जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टीम एजियन प्रकृति और हम।